अब दो गुटों में बट गया, कार्रवाई की बात की गई है, और वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि वार्ता खत्म नहीं होगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक वार्ता की बात है, किसानों के लिए वार्ता के लिए सरकार के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, आगे भी सरकार ने इस बात के लिए मना नहीं किया कि हम वार्ता के लिए सरकार बिल्कुल ओपन है उसके लिए। दो गुटों में नहीं बटे, कुछ लोगों ने जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई, उसको देखते हुए दो किसान संगठनों ने कल आंदोलन से अपना समर्थन वापस लिया और आंदोलन से हटे। और बाकी से भी मैं अपील करूंगा कि सरकार से बातचीत करें और आंदोलन को वापस लें। सर, बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जो ये हिंसा हुई है इसमें सरकार का भी साजिश है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पूरी जनता देख रही है, और ख़ास तौर से आप मीडिया के जितने भी लोग हैं वो सच्चाई को दिखा रहे हैं कि किसने क्या किया है, किन लोगों ने वहाँ जाकर झंडा लहराया है, कौन लोग हैं वो, किसने उनको उकसाया, उनके वीडियो भी जारी हो चुके हैं, और कानून अपना काम करेगा। देखिए, जो दोषी है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और जो किसानों के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व आए थे जिसका खतरा पहले सरकार ने पहले ही किसान नेताओं को सचेत किया था, वो सच साबित हुआ है। इससे ज़्यादा इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं, ये विश्वासघात है। किसान हमारा अन्नदाता है, उसको हमेशा अन्नदाता माना है। अगर उसमें छुपे हुए लोग जाकर इस तरीके की कोई घटना करते हैं, इसकी नैतिक जिम्मेवारी किसान नेताओं के ऊपर है, जिन्होंने सरकार को और पुलिस को आश्वस्त किया था कि हमारा आंदोलन जो ट्रैक्टर मार्च है वो शांतिपूर्ण रहेगा।